वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। पार्ट फाइव में एरिया ऑफ बी एफ इसका एरिया, ठीक है, टू टाइम्स एरिया ऑफ एफईडी, यानी एफईडी ये जो है, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है इसका टू टाइम्स है, ये हमें पता करना है, इसका टू टाइम्स है, यानी कि ये जो है अगर वन है तो ये टू, इसका डबल है इसका एरिया, ये हमें पता करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। अब एरिया तो हमें पता नहीं है किसका क्या है, हमें तो ये पता है कि भाई ए बी सी और बी ई, ये जो बी डी ई है, ए बी सी और बी डी ई है, ये दोनों जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, इसमें दिया हुआ है। और डी जो है इसका मिड पॉइंट है, देखिए यही से शुरू करते हैं। डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए बी सी को डी जो रेखा है, ए डी रेखा है, ये दो बराबर बागुल, और यहां पर जो है ये कोण जो है ये इसका सीधा है, इसलिए ये जो डी कोण है ये 90 डिग्री का बनता है। पहले हम इसका एरिया पता करेंगे, एडी, एडी का एरिया पता करेंगे तो हमें एफ डी का एरिया पता होगा। एफ डी का एरिया पता कैसे करेंगे, क्योंकि ये लाइन का जो पता लग जाएगा तभी हम इन दोनों का अंतर कर पाएंगे। अब देखिए कैसे पता लगेंगे, हमने अभी कहा था कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि मान लीजिए इसकी लंबाई जो है इसको अक्ष मान लेते हैं, ये भी अक्ष है, ये भी अक्ष है और ये भी अक्ष है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बी और डी की जो लंबाई है वो अक्ष बटा दो है। इस पूरे एरिया का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो क्या है कि ये अक्ष बटा दो है, ये वाला यहां से लेके यहां तक अक्ष बटा दो है और ये यहां वाला बीडी से भी अक्ष बटा दो है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो है उसके अनुसार, उसके सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि ये जो आपकी ए डी लाइन है, ठीक है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू जो बड़ी लाइन है ए बी, ए बी स्क्वायर में से अगर हम बी डी स्क्वायर को घटा दें तो ए डी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर, इसका और स्क्वायर, स्क्वायर मिलके क्या होता है, ये ए बी का स्क्वायर होगा, ए बी के स्क्वायर में से बी डी का स्क्वायर घटा देंगे तो ए डी का स्क्वायर आ जाएगा, ये हमें पता गया। अब देखिए इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट अब क्या करते हैं कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है अक्ष है, तो हम लिख देंगे यहां पर अक्ष स्क्वायर, और माइनस बी डी स्क्वायर, बी डी कितना है अक्ष बटा दो, ये पूरा अक्ष है और ये मिड पॉइंट है, इसलिए बी डी कितना अक्ष का आधा, यानी अक्ष बटा दो का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में से अक्ष बटा दो का स्क्वायर घटाएंगे तो आपका ए डी का स्क्वायर है। अब देखिए इसको और हल कर लेते हैं, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया और दो का स्क्वायर चार हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब देखिए फिर इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, ए डी स्क्वायर बराबर, देखिए चार है इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, इसको ओपन कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो ये चार से गुणा हो जाएगा, यानी फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर, तो फोर एक्स स्क्वायर चार से गुणा किया इसको माइनस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, या हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू चार एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकल गया तो कितना बच गया, थ्री एक्स स्क्वायर बटा, ये हो गया ए डी स्क्वायर की वैल्यू। अब ए डी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, अब आप ए डी की वैल्यू निकालिए, ए डी बराबर या स्क्वायर हटा दिया हमने तो यह भी स्क्वायर हटाना पड़ेगा, यानी इसको अंडर रूट करना पड़ेगा, क्या अंडर रूट क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन, और सॉल्व करेंगे तो ए डी बराबर, अब देखिए अंडर रूट जो है इस थ्री का तो हो नहीं सकता, ये तो इस अंडर रूट में रहेगा थ्री, तो वो एक्स का हो सकता है, तो एक्स का
रूट किया तो अक्ष स्क्वायर का रूट किया तो क्या हो गया, अक्ष हो गया, यहां से भी स्क्वायर हट गया तो यहां से भी स्क्वायर हट गया, और दो का चार का जो है अंडर रूट किया, चार का वर्गमूल किया तो कितना हो गया, दो दो चार, यानी एडी की वैल्यू आ गई रूट थ्री एक्स अपॉन टू। ये हमारे पास में एक चीज आ गई, एक जो है हमारे पास में कुछ आ गया, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में एडी की। एडी की वैल्यू क्या है, इसकी लंबाई क्या है, रूट थ्री एक्स बटा टू, ये इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू पता लग गई। अब ये जो आपका हमें कंपेयर करना किसको, इसको और इसको, बी एफ ई और एफ डी ई को कंपेयर करना है, तो अब आपको इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना दोनों का, इसका और इसका, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, एडी की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है, और अब जो है हम इसका इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू में क्या होगा कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसको हम एक यहां पर मिड पॉइंट जो है बना देंगे, इसको नाम दे देते हैं पी, पी एक मिड पॉइंट बनाया और यहां से हमने एक सीधी रेखा खींच दी, अब ये इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, और ये क्योंकि सीधी रेखा है परपेंडिकुलर है इसलिए ये आपका 90 डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया, तो अब आप जो है इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, इसकी किसकी वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी आपको, आपको ई पी की वैल्यू ज्ञात करनी, ई और पी ये रेखा है, ई पी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो वही फॉर्मूला जो पहले आया था पाइथागोरस का कि ई पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू रखते हैं, ई पी स्क्वायर इक्वल टू बी ई स्क्वायर कितना है, देखिए ये एक्स वैल्यू थी ओके, और ये जो है एक्स का आधा है यानी बी डी हाफ है, एक्स बड़ा दो है, और ये क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए ये भी एक्स बड़ा टू है और ये वही एक्स बटा टू है, तो एक्स बटा टू होगी बीई की वैल्यू, तो हम कहेंगे एक्स बटा टू का स्क्वायर, ये हो गया बी की बीई का स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर। अब बीपी कितना है ये तो हमें पता नहीं है, हमें पता है कि बी डी जो है एक्स बटा टू है, बी डी कितना है एक्स बटा टू है, ठीक है एक्स बटा टू, तीनों भुजाएं बराबर है, ये भी एक्स टू है, ये भी एक्स बटा टू है, बी और डी ए मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो बी डी एक्स बटा टू है, और ये क्योंकि पी जो है ये बी डी का मिड पॉइंट है, पी बी डी का मिड पॉइंट है, इसीलिए बी पी कितना हो गया एक्स बटा टू का भी आधा हो गया, ठीक है एक्स बटा टू बी पी एक्स बटा टू है इसका आधा है बी पी, तो एक्स बटा टू का आधा यानी कि एक्स बटा चार, तो हमें पता लग गया कि इसकी वैल्यू एफ एक्स बटा चार है किसकी बीपी के, तो हम यहां करेंगे एक्स बटा चार का स्क्वायर, ठीक है यानी इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा ओके। देखिए फिर सोल्व करते हैं, अब ई पी स्क्वायर बराबर, देखिए इसको सोल्व कर लो आप, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया और दो का स्क्वायर चार हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया और चार का सोलह हो गया स्क्वायर सोलह, अब चार और नीचे सोलह ऊपर एक्स एक्स स्क्वायर, अब आप इसको और हल कर लीजिए, ठीक है तो सरल करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा सोलह आएगा, ठीक है सोलह एफ तो सोलह आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये सोलह में चार का भाग देंगे तो चार आएगा, तो चार को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये फोर एक्स स्क्वायर ऊपर वाला हो जाएगा माइनस ये सोलह का सोलह ही है इसलिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना रहेगा वो 16, इसको हम चार एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तीन एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना बचेगा सोलह, ठीक है तीन एक्स स्क्वायर अपॉन सोलह। अब ये आ गया ईपी स्क्वायर, ठीक है अब इसको अगले पेज पे लेते हैं कि ईपी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है
यहां लिखते हैं ई पी स्क्वायर इक्वल टू, ई पी स्क्वायर इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन 16, थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो ई पी गुना कितना होगा, ई पी का मतलब इसका अंडर रूट करेंगे, ई पी स्क्वायर का रूट करेंगे हम, वर्गमूल करेंगे तो ई पी हो जाएगा, तो इसका भी वर्गमूल करेंगे, यानी इसको पूरे का वर्गमूल करना है 3x स्क्वायर बटा 16 का। अब क्योंकि ई पी बराबर 3 का वर्गमूल नहीं हो सकता है, तो इसको तो इसमें रखेंगे, और x का वर्गमूल कितना होगा, x होगा, ये हो गया बाहर, और 16 का वर्गमूल क्या हो गया, 4, तो ये हो गया रूट 3x अपॉन 4, ये होगी ई पी की वैल्यू। अब हमारे पास में ई पी की वैल्यू आ गई, ईपी यानी कि ये जो हमने पी किया था यहां पर, इसकी वैल्यू आ गई आप इतनी, इसकी वैल्यू है रूट 3x अपॉन 4, ओके, इसकी वैल्यू होगी। अब एरिया ऑफ एएफडी, एएफडी का एरिया कितना है, इसको निकालना है, एरिया ऑफ ए एफ डी, ठीक है, ये कितना है, तो ये आपका एरिया ऑफ ए एफ डी आ गया इतना, ठीक है, एरिया ऑफ ए एफ डी आपका। अब आप निकालिए, आपको कंपेयर करना है ई डी, ये जो इसको ये 1 और ये 2 है, कंपेयर करना है कि इसका डबल है, तो अब आपको इसका एरिया निकालना है, इसका एफ डी ई का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ एफ डी ई, तभी तो आपको कंपेयर करोगे इस पे इससे। देखिए इसका एरिया हमने निकाल लिया, इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ एफ एफ ई डी क्या होगा, वही फॉर्मूला, त्रिभुज का एरिया जो है ये लिखा है, या 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या आएगा, 1/2 तो 1/2 आएगा, बेस कितना आएगा, आप निकाल रहे हो एफ डी का, तो ई एफ डी, एफ डी इसका बेस आएगा, ओके, और हाइट क्या आएगी, ई पी, इसकी हाइट आएगी ई पी, ये आपका जो है दोनों के बीचों बीच ये मिड पॉइंट के ऊपर रेखा खींची है ना, ये इसकी हाइट है त्रिभुज की, बी डी ई त्रिभुज है, इसकी हाइट है ई पी, तो ई पी आ जाएगी, यानी ई पी की जगह हम जो है लिखेंगे क्या, ई पी का वैल्यू है ये, इसकी जगह है आप जो है लिख देंगे रूट 3x बटा, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ एफ डी ई, एरिया ऑफ एफ डी ई इज इक्वल टू क्या, 1/2 ऑफ एरिया ऑफ एफ डी इंटू रूट इंटू रूट 3x बटा, ये आपके आ गया एफ डी ई का, ठीक है, यानी इसका एरिया, इसका एरिया ये आ गया, और इसका एरिया हमने निकाल रखा है ये वाले आ गया ए एफ डी का, इसका एरिया ये है और इसका एरिया आपका, दोनों का मतलब गया। अब आपको पता है कि ये जो एरिया है, आपने अभी क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट 4 था ना, इसमें आपने देखा था कि बी एफ ई, बी एफ ई वाला जो पार्ट है ये किसके बराबर था, बी एफ ई जो था यह ए एफ डी के बराबर था, ए एफ डी यानी ये वाला और ये वाला बराबर था, ठीक है, ये वाला और ये वाला बराबर था। अब इसका हमें पता है ए एफ डी कितना है, तो ए एफ डी के बराबर ही बी एफ डी होगा, ये हमको पता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ डी, एरिया जो है वो बी एफ ई के बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपके बराबर है, ठीक है, और ये एरिया है इतना,
इसका मतलब एफ डी जितना है उतना ही बीई एफ है, तो बीई एफ भी ये, इसको आप जो है एफ डी की जगह आप इसको बीई एफ भी लिख सकते हो। और आपको कंपेयर करना है क्या बीई एफ या बी एफ ई, यही बात है, इसको बी एफ बीई एफ लिख दो या बीई एफ लिख दो, बी एफ ई लिख दो, बी एफ ई को एफ ई डी से करना, एफ ई डी ये है आपका, एफ डी को आप एफ ई डी की कर दो, तो एफ ई डी का एरिया तो ये है और बी एफ ई का एरिया ये है। अब इन दोनों को देखिए क्या फर्क है, इसमें एक बटा दो है, इसमें एक बटा दो है, इसमें एफ डी है, इसमें एफ डी है, ठीक है, तो ये तो आपके आपस में ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, अब क्या बचा आपका कि ए एफ डी का एरिया जो है वो आएगा रूट थ्री एक्स बटा टू और एफ ई डी का आएगा रूट थ्री एक्स बटा फोर, तो एक्स बटा टू और एक्स बटा फोर, ठीक है, इसके अंदर इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा दो, और इसको हम जो अगर काटेंगे तो ये क्या जाएगा इसका आधा है ये, ठीक है, इसका हाफ है ये, यानी इसका डबल है ये, ये जो है बी ई बी एफ ई जो है बी एफ ई, ये क्या है बी एफ ई, और ये क्या है आपका एफ ई डी, बी एफ ई जो है इसका डबल है, ठीक है, ये अकाउंट टू है, ये चार है, तो हम कह सकते हैं कि इसको कंपेयर जब करेंगे तो हम करेंगे कि एरिया ऑफ बी एफ ई इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ एफ ई डी, एफ ई डी का टू टाइम, ये डबल हो गया, यू समझ लीजिए कि आपने इसको डबल कर दिया, डबल कर दिया तो यानी कि इसको दो से गुणा कर दिया, दो से गुणा कर दिया तो ये कितना हो जाएगा दो हो जाएगा, अब बराबर हो जाएंगे तो ये डबल हो गया, ठीक है, टू टाइम्स ऑफ एरिया ई एफ डी, आई थिंक इट इज नाउ क्लियर टू यू। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।